Hello all my dear students of standard UKG Rose and Lotus, a very warm good morning and a happy new year you to all. Hope you all are fine. Today I am going to teach you next chapter of EVS, that is lesson number 11, places around my house. Students, this is the second chapter of this term. Let's start the reading. We live with our family in a home. हम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. People living near our home are our neighbors. जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम neighbors कहते हैं. Means पड़ोसी कहते हैं. फैमिलीज लिविंग नियरली मे का नेबरहुड, और जो फैमिलीज जो परिवार आस पड़ोस में रहते हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं. जो नेबरहुड मीन्स पड़ोसी कहलाते हैं. देयर आर मैनी प्लेसेस अराउंड माई हाउस वेयर आई गो विथ माई फैमिली. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक करेक्शन है. यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने एस लगा के इसको प्लेसेस कर लेना है. देयर आर मैनी प्लेसेस मीन्स हमारे आसपास काफ़ी ऐसी जगहें हैं. अराउंड माई हाउस मीन्स मेरे घर के आसपास काफ़ी ऐसी जगह है. वेयर आई गो, जहाँ पे मैं जाता हूँ. विथ माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ. सी, फर्स्ट वन इज ग्रॉसरी शॉप. ग्रॉसरी शॉप मीन्स किराने की दुकान. और देन ग्रीन ग्रॉसर शॉप, जहाँ से हम फल सब्जियाँ वगैरह खरीदते हैं. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल, जो हमारे घर के आसपास होते हैं. हॉस्पिटल आपको पता है, जहाँ पे हम जब बीमार होते हैं तब जाते हैं. देन रेलवे स्टेशन, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें ट्रेन में अगर कहीं सफ़र करना है तो हम रेलवे स्टेशन जाते हैं. देन पार्क, पार्क मीन्स जहाँ पे आप लोग खेलने के लिए जाते हो. बच्चे मोस्टली वहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस आपको पता है डाकघर को बोलते हैं, जहाँ पे हम अपनी चिट्ठियाँ पोस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज बैंक. बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं और निकलवा के भी लेके आ सकते हैं. नेक्स्ट इज जू. जू एक इंटरेस्टिंग जगह है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे घूमने जाते हैं और वहाँ क्या देखने जाते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स एंड बर्ड्स. नेक्स्ट है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चे जाके बुक्स वगैरह लेते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उन्हें रीड करते हैं. एंड लास्ट वन इज स्कूल. स्कूल आप सारे बच्चों को पता है, आप सभी बच्चे स्कूल में जाते हो, तो स्कूल जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं, खेलते हैं और रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. टीचर उन्हें रोज न्यू चीज़ें सिखाते हैं. सो बेटा, ये आपका सारा लेसन है. इसको आपने रीड करना है अच्छे से, और जो जो प्लेसेस हैं इनके नाम अच्छे से लर्न करने हैं, इनके स्पेलिंग अच्छे से लर्न करने हैं. यही आपके क्वेश्चन आंसर्स बन के आएंगे. थैंक यू.